आप देख रहे हैं एसआरटीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। वर्ल्ड डायबिटीज डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, उसका पीछे का मकसद क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, उस बारे में आप बताइए। 14 नवंबर को जागृति मधुमेह दिवस है, जिसको हम वर्ल्ड डायबिटीज डे बोलते हैं। इस दिन डॉक्टर फ्रेडरिक पेंटिंग, इनका बर्थडे है। डॉक्टर फ्रेडरिक पेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की है। 1921 में इंसुलिन की खोज डॉक्टर फ्रेडरिक पेंटिंग, चार्ल्स बेस्ट, जॉन मैकलियर और जेबी कॉली, ये चार लोगों ने किया था। उसमें फ्रेडरिक पेंटिंग ने लीड काम किया था, इसलिए ये चारों को नोबेल प्राइज़ मिला है। उन्हीं की याद में 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे करके ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन, इस साल इंसुलिन के 100 साल डिस्कवरी के पूरे होने की वजह से हम लोगों ने पूरा थीम इंसुलिन बेस्ड रखा है, और पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, फिजिशियंस को इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना और पैरामेडिकल स्टाफ को भी इंसुलिन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना, ये हमारा मकसद है। CME के बारे में क्या अपडेट्स है, उस बारे में आप बताइए। CME में हम डायबिटीज़ के अलग अलग टॉपिक लिए डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बेजल इंसुलिन थेरेपी, बोलस इंसुलिन थेरेपी, टाइम इन रेंज ग्लूकोज कंट्रोल, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी, ऐसे अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली साइंटिफिक टॉपिक्स हैं, जिसमें हम डॉक्टर्स लोगों को इंसुलिन के बारे में अपडेट करेंगे। बहुत सारे फिजिशियंस यहाँ पे आने वाले हैं और बहुत सारे लोग लाइव देख पाएंगे हमारे को यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव के थ्रू। सो वो उन लोगों को इंसुलिन अपडेट के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। वर्ल्ड डायबिटीज डे पे क्या थीम होगा, उस बारे में बताइए। वर्ल्ड डायबिटीज डे का थीम ये है कि आवर प्लेस विल बी टू मेक द ट्रीटमेंट अवेलेबल एक्सेसिबल अवेलेबल टू एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.